चलो भाव बनाते हैं अब हम, क्या कह रहा है देखो, दो प्रकार के घोल है जिसमें एसिड है और पानी है, एसिड और पानी है। इस एसिड और पानी को क्या करता है, इस अनुपात में दो दो घोल अलग अलग रखा हुआ है। ये कह रहे हैं दोनों घोलवा के इस अनुपात में मिलाओगे ना तो नया अनुपात क्या होगा, तो बताते हैं नियम समझो। नियम क्या होता है, नियम ऐसा होता है कि 2:3 और इस रेशियो को क्या करेंगे पहले फाइनल कर लीजिए। तो कह रहा है 2:3 हमें, 2:3 पहला 7 है और अगला क्या है बाबू, अगला रेशियो थोड़ा सा बात समझने की कोशिश करेंगे, अगला रेशियो क्या है, तो कहिए अगला रेशियो है 4:5। किया क्या जाता है, इन दोनों रेशियो को यहां पर एलसीएम देख लीजिए, कितना मान होगा इसका जोड़ देखिए तो 9। इन दोनों रेशियो के क्या कर लीजिए, जोड़ लीजिए, तो ये भी कहिएगा सर 9। जब ये दोनों रेशियो आपस में बराबर हैं तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। यदि बराबर नहीं होते तो क्या करते हुए हम बताते हैं, एलसीएम हो जाएगा आपका कितना, एलसीएम भी हो जाएगा आपका, एलसीएम बाबू हो जाएगा कितना 9। 9 में 9 से भाग एक बार में, तो इसका मान पूर्णतः वही हो जाएगा 2:7। आइए 9 में 9 से भाग तो इसका रेशियो पूरा हो जाएगा कितना, इतना ही सेम। और ये कह रहा है ना कि हम लोग उस रूप में नहीं रहेंगे, पहला रहेगा 2:3 में, अगला होगा 5 में, तो इसमें कर देंगे 2 से गुना और इसमें कर देंगे 5 से गुना और दोनों के आपस में लास्ट में जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा 2×4 और ये हो जाएगा बाबू 7×14 और ये हो जाएगा 5×20 और ये हो जाएगा 5×25 और दोनों का अंतिम में जोड़ दीजिए तो इसका मान हो जाएगा 24 और रेशियो इसका मान हो जाएगा 39। और लगता है 3 से कट रहा है, 8×3=24 और 13×3=39। ऑप्शन नंबर देखो तो कितना है, 8:39, ऑप्शन नंबर डी डॉग देख लो आप, ऑप्शन नंबर डी डॉग, एंटर। अगला क्वेश्चन देखें, एक बात बोले आपके दिमाग में एक बात चल रहा होगा जिसको हम हटा देना चाहते हैं, कहिएगा सर इसका एलसीएम क्यों लिए, एलसीएम क्यों लिए, एलसीएम इसलिए लिया जाता है कि दोनों को बराबर करने के लिए, लेकिन ऑलरेडी ये बराबर दोनों का मान 9 ही है। लेकिन क्या होता है इस बात को थोड़ा समझो तो एक बार क्या होता, मान लो रेशियो होता 2:3, मान लो 2:3 और एक होता 4:5, तो इसका वैल्यू हो जाता कितना आपका 5, इसका वैल्यू कितना हो जाता 9, तो दोनों का एलसीएम अब होता 45। तो ये 9 बार में जाता तो 9 से गुना होता, 9×18, 9×3=27, अलग बात बोल रहे हैं समझो। ये 5 बार में जाता इधर होता 5×20 और 5×25, इसीलिए एलसीएम लिए थे कि दोनों बराबर हो जाए। देखो अब इसको जोड़ेंगे ना बाबू, इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 45 और इसको भी जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 45, लेकिन पिछला में ऑलरेडी उसका जोड़ 45, उसका जोड़ 9 था इसलिए गुना नहीं किया गया, इस बात को समझेंगे। क्वेश्चन नंबर हम बढ़ते हैं किसके लिए, 3 के लिए, इसको हटा देते हैं, इसकी काम नहीं।